हेलो गाइस, वेलकम। सो वी स्टार्ट टुडे सेशन। आपको याद होगा कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की थी, इनफाइनाइट प्लेट्स टाइप के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट दोज पर्टिकुलर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हम लोगों ने उसके बारे में बात की थी एंड आज हम उसी सिचुएशन को या फिर उसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स को और आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ओके। सो अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने बेसिकली दो प्लेट्स पैरेलल रखे हुए हैं, बहुत सारे प्लेट्स आपस में पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सब हम लोगों ने निकाला था लास्ट क्लास में, राइट। तो लास्ट क्लास में एक सवाल था, somebody asked me, तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक इनफाइनाइट वायर है विच इज एक्सटेंडिंग अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला जो थी वो थी 2k लैम्डा बाई डी। And what is this d? This d is the distance of the point from the wire, infinite wire, 2k lambda by d over. ठीक है? So basically, अगर आप इसका electric field देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस point पे, तो इसका जो electric field versus electric field वर्सेस डिस्टेंस एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे, आपको एक बात समझ में आएगी कि ध्यान से देखना, आपको एक बात समझ में आएगी कि 2k लैम्डा बाय डी, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो है, तो आप अगर वायर लोगे, वायर की थिकनेस मैंने कल आपको बताई थी, वायर की जो रेडियस है, दिस रेडियस इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज आर टेंडिंग टू जीरो है। तो आर अगर टेंडिंग टू जीरो है, तो कोई भी एक गिवन लेंथ में, ठीक है, आपकी जो जो बिकॉज़ यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो भी कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा मतलब कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, चार्ज आएगा उसके अंदर कुछ चार्ज होगा, पर जब वॉल्यूम लोगे तो लेंथ तो एल ले लोगे, लेकिन जो एरिया है वो एरिया की जगह पे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो जा रही है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर इनफाइनाइट हो जा रही है, तो आपको यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। तो डिसकंटिन्यूटी मिलेगा तो डिसकंटिन्यूस ग्राफ कैसा होगा, देखो ध्यान से। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, कल शायद मैंने इसको ऐसे बना दिया था जो कि गलत था, यही पॉइंट शायद रेज किया था उसने। सो बेसिकली आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका नेचर देखो ध्यान से, उसका नेचर जो आएगा वो ऐसे आएगा, एसिम्प्टोटिक होगा, और यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा will be like this. So you will have a discontinuity at the origin, matlab just wire pe value plus infinity se leke jaise se dur jaoge wo zero tak jayegi, theek hai, aur negative side mein jaoge to wo minus infinity se zero taraf jayegi. So something like this graph you will get, right? Ye wala ek point pe clarification dena chahta hu, yahan se is cheez ko note karna, theek hai. तो लैम्डा प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी से माइनस इनफिनिटी जाएगी। दिस इज समथिंग हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड वुड वेरी, इट वुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज़ 2k लैम्डा बाय d में d जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी जैसे जैसे डिस्टेंस आप चेंज करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा ना? हाँ, तो यही तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, यही जो ग्राफ है यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, ठीक है, क्लियर है? ये यशोदन क्लियर है? ओके, आ जाओ।
चलो ना, ध्यान से सुनो ना, ध्यान से सुनो। कल हम लोगों ने इस पॉइंट ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखे थे, अब उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लेट्स नाउ ट्राई टू हैव अ गुड लुक एज टू हाउ यू नो व्हाट अदर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन। मैंने आपको दो परपेंडिकुलर में रखे हुए दिखा दिए, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है? तो अब बेसिकली अब जो सवालों की वैरायटी आएगी, ध्यान से देखना, वो कुछ ऐसा है कि आपको आपको पैरेलल शीट्स दे दी जाएगी और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। ये मान लो जीरो का लाइन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका फर्स्ट प्लेट है या फर्स्ट इनफाइनाइट प्लेट है? इनफाइनाइट प्लेट है ये सब, ये सेकंड इनफाइनाइट प्लेट है और ये थर्ड इनफाइनाइट प्लेट। अभी हो क्या रहा है कि अभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दी गई है, ये बोल दिया गया है कि इस जगह पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, विच इज इक्वल टू सपोज ये ओरिजिन वाला लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वैल्यूज वाई एक्सिस में दिखाया जा रहा है। इट इज सपोज माइनस सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू है। 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज समथिंग लाइक दिस, विच इज लाइक प्लस सिग्मा बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2 और 3 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज लाइक 0, ठीक है, और 3 के आगे राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज लाइक दिस, विच इज इक्वल टू प्लस सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन। अभी आपसे पूछा गया है कि आप बताइए प्लेट 1 का, ध्यान सुनिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, प्लेट्स का आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है, मतलब फर्स्ट प्लेट का कितना है, सेकंड प्लेट का कितना है और थर्ड प्लेट का कितना है, ये आपको सबका सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है। कैसे बताओगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को? अब क्या है कि अब आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दिया हुआ है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दे दी गई है, ठीक है, आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 बताना। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका, आपने ऑलरेडी मान लिया है कि प्लेट 1 में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1, प्लेट 2 में है सिग्मा 2 और प्लेट 3 में है सिग्मा 3, राइट? ये आपने ऑलरेडी मान लिया है। अगर आपने ऐसा मान लिया है तो ध्यान से देखें, प्लेट 1 में अगर आपने सिग्मा 1 माना है तो सिग्मा 1 के कारण, मैं इसको इधर रख रहा हूँ, सिग्मा 1 के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लुक एट द डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिग्मा 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस तरफ सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेट मी जस्ट अ मोमेंट, ये 1 मैंने रोमन में रखा है तो इसको रोमन में कर देता हूँ, आप लोग अपना कैलकुलेशन करते रहो। और इधर भी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है, और इस साइड में सिग्मा 2 के कारण इस साइड में
सिग्मा टू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड में भी सिग्मा टू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आपका फील्ड का डायरेक्शन है। सिग्मा थ्री के कारण इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ आएगी सिग्मा थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इधर भी आएगी सिग्मा थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी आएगी सिग्मा थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट है। तो माइनस सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या करोगे आप, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपके फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड में उन सबको जोड़ोगे, मतलब माइनस सिग्मा टू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा वन बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा थ्री बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, क्या ये सब आना चाहिए माइनस सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। अब आप प्लेट वन और प्लेट टू के बीच का रीजन देखिए और सभी फील्ड्स को सही मायने में जोड़िए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको दिखेगा बिकॉज आपकी फील्ड जो है प्लेट वन और टू के बीच में वो प्लस सिग्मा बाय एट एप्सिलॉन नॉट है, तो आप क्या करोगे सिग्मा वन बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस साइन के साथ आएगा, माइनस सिग्मा टू बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा थ्री बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, विल इट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू सिग्मा बाई कितना एट एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मैंने एक एक्सट्रेनियस डेटा दे दिया है, एक्चुअली मुझे ये थ्री के उस साइड वाला प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार इक्वेशन बन जाएंगे, नहीं तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए बिकॉज मेरे पास तीन वेरिएबल है सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। तो मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं सबड्यू कर दूंगा, ये वाले पार्ट को मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, ये प्रोवाइडेड नहीं है, मान लो प्रोवाइडेड ही नहीं, ठीक है, समझिए इस बात। अच्छा, थर्ड इक्वेशन किधर आएगा, टू और थ्री के बीच में, टू और थ्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी आ रही है बोलो, टू और थ्री के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ध्यान से देखो मैंने सिग्मा वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया हूँ, इधर एक सिग्मा वन बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट भी आएगा बिकॉज इधर सिग्मा वन के कारण उसके राइट हैंड साइड में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा थ्री बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये जो वैल्यू आएगी ये जीरो के बराबर आएगी, इसमें थर्ड इक्वेशन। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे इक्वेशन नंबर वन टू थ्री, आगे पास तीन वेरिएबल्स हैं और तीन इक्वेशन, तो इनको सॉल्व करना है एंड यू हैव टू गेट सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री। कैसे आप सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री लाओगे ये बताओ, इनको सॉल्व करना है आपके लिए, ठीक है, और आपको ये सब सिग्मा सिग्मा के टर्म्स में लाना है, सिग्मा वन कितना है सिग्मा टू सिग्मा थ्री कितना है ये सब, सो यू हैव टू फाइंड आउट सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, क्या मेरी बात समझ आई है, क्या क्लैरिटी है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशन, यू कैन सॉल्व दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले ये टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन ये सब उड़ा दो, तो पहला जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा माइनस सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई टू, तो
माइनस अगर आप उड़ा दोगे तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री इक्वल टू सिग्मा बाई टू हो जाएगा। सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू प्लस सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा मॉडिफाइड। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, सिमिलरली सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री, सब लोग अपने कॉपी में करो इसे, विल इट बी इक्वल टू सिग्मा बाई फोर, इज योर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा थ्री इज इट इक्वल टू जीरो, ये आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, ये थर्ड वाले इक्वेशन में से सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू की जगह पे सिग्मा थ्री डालिए तो इट विल बी माइनस टू सिग्मा थ्री। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, तो टू सिग्मा थ्री इज इक्वल टू सिग्मा बाई टू, जिससे आपको सिग्मा थ्री की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा बाई फोर। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो सिग्मा थ्री की वैल्यू एक बार आ गई, अब आप देखो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ठीक है, सिग्मा थ्री की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में से सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू की वैल्यू आ जाएगी ठीक है इज इक्वल टू सिग्मा बाई फोर, और सेकेंड वाला इक्वेशन अगर आप देखोगे इट विल बी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा बाई फोर प्लस सिग्मा बाई फोर दैट इज सिग्मा बाई टू, सेकेंड वाला इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सिग्मा टू उड़ जाएगा, तो टू सिग्मा वन सिंपली दोनों को जोड़ दो तो टू सिग्मा वन सिग्मा बाई फोर प्लस सिग्मा बाई टू दैट इज थ्री सिग्मा बाई फोर, इससे आपको सिग्मा वन की वैल्यू मिल जाएगी थ्री सिग्मा बाई एट। तो सिग्मा वन थ्री सिग्मा बाई एट है, सिग्मा थ्री सिग्मा बाई फोर है, तो सिग्मा टू कितना आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू जो था दैट इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, और सिग्मा वन थ्री सिग्मा बाई एट है तो सिग्मा टू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन, सिग्मा थ्री सिग्मा बाई फोर, सिग्मा बाई फोर माइनस सिग्मा वन दैट इज थ्री सिग्मा बाई एट, तो सिग्मा टू विल बी सिग्मा बाई फोर माइनस थ्री सिग्मा बाई एट। ठीक है, तो सिग्मा टू हमारे राइट, आई थिंक आई शुड बी राइट, सिग्मा थ्री की वैल्यू आएगी तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा थ्री था राइट, और सिग्मा वन की वैल्यू है थ्री सिग्मा बाई एट, तो सिग्मा थ्री सिग्मा बाई फोर, तो सिग्मा टू विल बी सिग्मा बाई फोर माइनस थ्री सिग्मा बाई एट, तो फोर और एट कैल्सियम कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, टू सिग्मा माइनस थ्री सिग्मा इज माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा बाई एट आपका आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, सो दिस व्हाट वुड बी योर आंसर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इट यू नो इट टेल्स यू दैट हाउ टू फाइंड आउट सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर प्रोवाइडेड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड हो, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया, एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस, दिस वाज क्वाइट ऑफ अ कैलकुलेशन बट आपको ये समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखिए इसे, नोट कीजिए, क्लियर रही है, गुड। आइए अभी ऐसा करते हैं कि हम एक इनफाइनाइट प्लेट लेते हैं, लेकिन उस प्लेट की जो थिकनेस है ये 2t लेते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेट, दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेट, और सेंटर ऑफ द प्लेट से दोनों साइड ही जो थिकनेस है वो tt है, डरिएगा नहीं, दिस इज बेसिकली एन इनफाइनाइट प्लेट, वो हर तरफ इंफिनिटी तक गई हुई है, इधर भी नीचे भी इंफिनिटी, ऊपर भी इंफिनिटी, और इस वाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड हुई है, मतलब ये एक इनफाइनाइट प्लेट ही है या इनफाइनाइट शीट है, बट इस शीट की कुछ थिकनेस है दैट इज 2t, ठीक है, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये मान लो रो है,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज हाउ मच, लेट अस से इट इज रो, ठीक है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, ये सवाल है आपका। कैसे इस सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है, ये करना है। एक मिनट सोचो एंड देन वी विल डिस्कस। सब लोग इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा अक्कल लगाओ, कैसे करोगे इस सवाल को सॉल्व, ठीक है। सवाल अच्छा है, आइए। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यू नो बेसिकली ये जो एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे एक लेयर मान रहे हैं, कोई भी एक लेंथ एल का मान लो, इन्फिनिटी तक गया हुआ है, कोई भी एक लेंथ एल का लेयर मान लो, और लेंथ एल का जो लेयर है, ठीक है, लेंथ एल का लेयर है, ये जो लेंथ है जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है उसकी लेंथ आप मान लो एल है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इन्फाइनाइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो आप कोई भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लो, ठीक है, ए। तो ए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हो तो इसको ऐसा समझो कि मैंने इसका डायग्राम ऐसे बनाया, ये इनफाइनाइट प्लेट है, इनफाइनाइट प्लेट में से मैंने कोई एक छोटा सा पोर्शन जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, ये मैंने कट आउट कर लिया मान लो, ठीक है, ए। और ये ए में इस टाइप से, ठीक है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस 2p है, पहली बात समझ में आई है। और इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, तो बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है तो इस शीट में अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मानता हूँ तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा टोटल, ए इंटू टू टी इंटू रो, ठीक है। बट मैंने थिकनेस जो सेंटर लाइन है उसके सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड में एक्स दूरी पे मैंने एक पर्टिकुलर लाइन लिया है बेसिकली, ऐसा ऐसा समझ लो, ये सेंटर लाइन है, इमेजिन करना पड़ेगा, ये सेंटर लाइन से एक्स दूरी ये है। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे ये लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में या ऊपर वाले पार्ट में टी प्लस एक्स लेंथ थिकनेस है और नीचे वाले पार्ट में टी माइनस एक्स थिकनेस है। अभी ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये पूरे चार्ज को, जो भी चार्ज हम ले रहे हैं, ये पूरे चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये पूरे चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर दिस टू एंड लेयर्स। ये जो एंड लेयर आपको दिख रहा है, ये एंड लेयर, इस एंड लेयर्स में हम ये टोटल चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो ये पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है और ये पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई है, जो ये रीजन में प्रेजेंट है वो चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो जगहों पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, नहीं हटा देता, ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है, ध्यान से देखो, ये जो रीजन है, इस रीजन में कितना चार्ज प्रेजेंट है, इस रीजन में जो चार्ज प्रेजेंट है विल इट बी इक्वल टू ए इनटू टी प्लस एक्स इनटू रो, क्या मेरी बात समझ में आई, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ चार्ज, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ चार्ज, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ चार्ज ए इंटू टी प्लस एक्स इंटू रो, ये वॉल्यूम ऑफ चार्ज है, एंड दिस इज स्प्रेड ओवर, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज, वॉल्यूम ऑफ चार्ज क्या है, दिस इज द टोटल चार्ज, और इस चार्ज को अगर मैं ए एरिया में डिवाइड कर रहा हूं तो जो सिग्मा आएगी लेफ्ट हैंड साइड वाले, सिग्मा एल लिख रहा हूं मैं, विल इट बी इक्वल टू ए इंटू टी प्लस एक्स इंटू रो अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, जो इस वॉल्यूम का चार्ज है हम उसको सरफेस पे मान लेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो ए इंटू टी प्लस एक्स इंटू रो बाय ए, सो जो आपकी सरफेस की चार्ज आएगी वो आएगी टी प्लस एक्स इंटू, और जो सिग्मा राइट होगा, और जो सिग्मा राइट होगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए इंटू टी माइनस एक्स
इनटू रो अपॉन ए, ए कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस एक्स इनटू रो। मतलब हमने ये जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था उसको बेसिकली हमने ये वाला डायग्राम को ऐसे कन्वर्ट कर दिया, दो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं और इस पे जो चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड वाले में, इस पे चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इतना ले लिया, और जो राइट हैंड साइड वाला है उस पे हमने t माइनस एक्स इंटू रो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अभी सेंटर पे किसी भी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट एनी डिस्टेंस x, दैट विल बी व्हाट, ये इसके कारण t प्लस एक्स रो के कारण इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो इनफाइनाइट है पूरा, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी में बदला है, तो इट विल बी सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टी प्लस एक्स इनटू रो बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इन दिस डायरेक्शन, और टी माइनस एक्स इनटू रो के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी टी माइनस एक्स इनटू रो अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी अंदर, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू, which will be t plus x by 2 epsilon naught rho minus t minus x into rho 2 epsilon naught. तो ये वैल्यू जो आएगी t rho कैंसिल हो जाएगी, it will be 2x rho upon 2 epsilon naught. 2 कट गया, this is rho upon epsilon naught into x. This is what is the electric field, that is just inside the this you know infinite plate or infinite sheet but having thickness 2t. So having thickness 2t, so at any distance x from the center line, your value of net electric field will be rho x by epsilon naught. Kitna hoga? Rho x by epsilon naught. So ye ho gaya aapke inside mein, theek hai, rho x by epsilon naught, that is what you will get. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप सेंटर लाइन के राइट हैंड साइड में जाओगे तो टी एक्स एक्स रो बाय एप्सिलॉन नॉट आपकी राइट हैंड साइड होगी, और अगर आप सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो रो एक्स एप्सिलॉन नॉट आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इस एक्स को आई विल इंक्रीज दिस एक्स फॉर ग्रेटर देन टी, ये जो वैल्यू थी एक्स की, दिस एक्स इज लेस देन टी, अभी एक्स अगर ग्रेटर देन टी हो गया तो ग्रेटर देन टी के लिए क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर देन टी के लिए हमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमें चाहिए, ये पूरा यू नो पूरा जो वॉल्यूम है पूरा वॉल्यूम का लेना पड़ेगा, पूरा वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, इट विल बी फॉर एक्स ग्रेटर देन टी मुझे पूरा वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट है वो लेना पड़ेगा। तो लॉजिकली सोचो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज है, विल इट बी ए इंटू टू टी इंटू रो, इज इट द टोटल चार्ज, इज इट द टोटल चार्ज दैट इज विद इन दिस इनफाइनाइट शीट ऑफ थिकनेस 2t, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से, तो वैल्यू आ जाएगी रो इंटू टू टी। मतलब फॉर एन आउटसाइड पॉइंट यू कैन कंसिडर दिस प्लेट टू हैव अ सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑफ हाउ मच, इट इज जस्ट 2t रो। तो प्लेट के लिए आपको पता है इनफाइनाइट प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इट विल बी सिग्मा, एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज रो 2t बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज ऑन द राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए ई लेफ्ट बोल रहा हूं मैं, इट विल बी रो इनटू 2t सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब बेसिकली अगर मैं ऐसे देखूं कहां बनाऊं, ये देखो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसीलिए ई राइट और ई लेफ्ट को मैंने एरो की डायरेक्शन अलग दी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनफाइनाइट प्लेट हैविंग थिकनेस 2t एंड आउटसाइड द इनफाइनाइट प्लेट हैविंग थिकनेस 2t, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हमारा काम ये है कि हमको इन्हें प्लॉट करना पड़ेगा, बिकॉज़ वी विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस कि इसका प्लॉट कैसा दिखेगा, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन होगी, ये बताओ।
तो वो बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपको क्लैरिटी है, मैं थोड़ा सा इसका ग्राफ बना रहा हूँ, कहाँ बनाऊँ, इस जगह पे आपको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ इस जगह को, ध्यान से देखना। देखो ये मेरा दो प्लेट है और ये मेरा सेंट्रल लाइन है। तो मैं यू नो दिस इज हाउ आई एम क्रिएटिंग इट, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस। अभी ध्यान से देखो, ये जो रीजन है जो मैंने अभी डॉटेड लाइन पे बनाया, दिस इज द रीजन विद इन द इनफाइनाइट शीट। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तुमने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला आई है वो आई है रो एप्सिलॉन, रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो रो बाय एप्सिलॉन इनटू एक्स इट इज समथिंग लाइक दिस। सो दिस वुड गो समथिंग लाइक दिस इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ऐसा, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगी एक्स की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगी, बिकॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो ऐसी जाएगी। और उसके बाद मतलब जब जब आप इस इनफाइनाइट शीट के बाहर मतलब एक्स ग्रेटर देन टी की बात कर रहे हो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी रो टू टी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आएगी और ये कॉन्स्टेंट जाएगी इधर, और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब इस साइड में ये वैल्यू जाएगी ऐसे रो टू टी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट योर ग्राफ वुड लुक लाइक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट प्लेट मतलब वो पूरा इंफिनिटी तक एक्सटेंडेड है, लेकिन उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है, उसकी थिकनेस कुछ तो है, दिस सम थिकनेस विच इज 2t, राइट। तो उस केस में उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन विद इन द इनफाइनाइट शीट की थिकनेस जो 2t है उसके अंदर कैसी हो रही है और उसके बाहर कैसी हो रही है, दिस इज हाउ दिस डायग्राम इज देयर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इस डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको ये समझ में आना चाहिए, ध्यान से देखो समझ में आना चाहिए आपको ये। इट्स अ गुड क्वेश्चन, प्लीज रिपीट द ग्राफ। ये आपके इनफाइनाइट प्लेट है, और ये आपका सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से दोनों तरफ पीटी थिकनेस है। ये आपका एक्स एक्सिस है, मैं एक ग्राफ को बना रहा हूं, मैंने यहां से एक्सटेंड करके ये दो पॉइंट ले लिए, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस शीट जिसकी थिकनेस 2t है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है वो कुछ ऐसे जा रही है। क्यों? बहुत से बच्चे क्यों पूछेंगे, क्यों का रीजन यहां से आएगा। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है व्हेन एक्स इज लेस देन टी, इट इज गिवन बाय रो बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। इज इट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? इज इट एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन? वाई इक्वल टू एम एक्स है क्या? कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई है? तो इट्स एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं यहां से इसको ओरिजिन मान रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, इसको ओरिजिन मान रहा हूं, तो इस साइड मेरा एक्स पॉजिटिव है, और अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो मेरा एक्स जो है वो नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्स पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में और एक्स नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरी जो स्लोप होगी वो स्लोप मेरी पॉजिटिव होगी राइट हैंड साइड में और नेगेटिव होगी लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाऊंगा, बिकॉज एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जब बाहर जाएंगे हम, बाहर मतलब जिस इनफाइनाइट शीट के बाहर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखो, बाहर में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट दोनों जगह पे, ध्यान से देखो, दोनों जगह पे ये कांस्टेंट आ रही है, इट इज इक्वल टू रो 2t बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट इनकी डायरेक्शन जो है ये रिवर्स है,
लेफ्ट हैंड साइड में इट इज टूअर्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में इट इज टूअर्ड द राइट हैंड साइड बिकॉज हमने प्लस रो कूलम पर मीटर क्यूब लिया है, मतलब इट इज अ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो हमने लिया है. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो इस पॉइंट से आगे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कॉन्स्टेंट होगी एंड इट विल बी रो टू टी बाई टू एप्सिलॉन नॉट. क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई. क्या क्लैरिटी आई है? क्या ये सही है? क्या ये क्लियर है? क्या आपको समझ में आई है बात? So this is how your electric field would look like just outside or outside mein kaise vary kar raha hai aur inside mein electric field kaise jayegi. Theek hai, hope you understood this. This is an important concept and you need to understand this. Theek hai, to humne basically abhi plates ke upar bahut sara phd kar diya hai. Plates mein kya ho raha hai kya nahi, we understand it now, right? Now we will go to a new category of problems which is known as your cylinder, right? Pehle hum log cylinder dekhenge. और कैटेगरी आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर. बट स्फीयर मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको गॉस थ्योरम बताऊंगा उसी टाइम पे मैं स्फीयर सिखाऊंगा आपको. कुछ कुछ चीजें यू नो आपके पास मतलब मैंने यूट्यूब में भी अपलोड करके रखी है तो वो चीजें अभी आपको ज्यादा समझ में आएंगी बिकॉज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट क्लियर है. ठीक है, तो आपको वो सब चीजें अभी समझ में आएंगी ज्यादा अच्छे से. ठीक है, अभी देखो ध्यान से. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हमने शीट्स में देखा है. अब सिलिंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर दो टाइप की होती है आपको पता है. इधर हम लेंगे हॉलो सिलेंडर या फिर हम लेंगे सॉलिड सिलेंडर, इन दोनों में से कुछ भी एक लेंगे. तो हॉलो सिलेंडर में क्या होगा? हॉलो सिलेंडर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हॉलो सिलेंडर में हम क्या डिफाइन करेंगे? लैम्डा सिग्मा रो क्या डिफाइन करेंगे? वी हैव टू डिफाइन सिग्मा. और अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो इसको मैं सॉलिड बोल रहा हूँ. ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर में हम लोग रो डिफाइन करेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट विदाउट एनी प्रूफ स्टेट कर रहा हूँ जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखेंगे कि शेल के अंदर, ये शेल कुछ भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेल, स्फेरिकल शेल, कुछ भी. शेल मतलब समझते हो आप, राइट? जिसके थिकनेस बहुत कम होती है. शेल के अंदर बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द सेल, ऑन द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी. अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको याद रखना है. मैं इसका प्रॉपर प्रूफ आपको राइट टाइम पे दूंगा जब आप लोग एक बार गॉस लॉ के भी कॉन्सेप्ट देख लोगे और वीडियोस एक बार देख लोगे. शेल के अंदर बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. मतलब अगर शेल के सरफेस पे, जैसे मैंने ये हॉलो सिलेंडर जब मैंने बोला, आई कैन से इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल शेल. तो हॉलो सिलिंड्रिकल शेल में जो सरफेस पे चार्ज है उसके कारण उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, राइट? इसको फिलहाल आप विदाउट एनी प्रूफ जस्ट एज अ रूल आप याद रखो. मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा. ठीक है, आप फिलहाल आपको इसको याद रखना. ठीक है, ओके. अब सवाल क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द हॉलो. पहले हम लोग हॉलो के साथ डील करेंगे, इनसाइड दिस हॉलो सिलिंड्रिकल शेल एंड आउटसाइड इट. तो
आउटसाइड के लिए, इनसाइड में तो हमने अभी पढ़ा शेल के अंदर बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे इस हॉलो शेल को चेंज करना पड़ेगा एज एन इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट शेल है भाई, है ना, ये लिमिटेड लेंथ का नहीं है, इनफाइनाइट है। लिमिटेड लेंथ का मैथमेटिकली बहुत चैलेंजिंग होता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द आंसर, बट हम इसे इनफाइनाइट मानेंगे। एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटिंग दिस वी विल बी सीइंग। ठीक है, सो इसको हमें, ये जो हॉलो शेल है इसको हमें एक वायर में तब्दील करना है। तो वायर में तब्दील करेंगे तो वायर का तो लैम्डा डिफाइन था, तो बाहर के पॉइंट के, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हॉलो के लिए, अभी हमने देखा फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट दैट वी आर यूजिंग। फिलहाल हम इसे यूज करें, अंदर जीरो है, बाहर कितना होगा? तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इस वायर को रिप्लेस करना, हमें इस हॉलो सिलेंड्रिकल शेल को रिप्लेस करना पड़ेगा एक वायर से जिसकी कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अगर हमने इसको एक वायर में तब्दील कर दिया तो वायर के बाहर, इनफाइनाइट वायर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k λ/T, ये अपने को पता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, लॉजिकल है ये। तो अब सवाल ये है कि इसका जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा में कैसे बदला जाए? तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक गिवन लेंथ का सिलिंड्रिकल वायर ले लेंगे, जो सिलिंड्रिकल शेल है गिवन लेंथ का, तो इसमें जितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, सिग्मा इंटू 2πRL। ये जो चार्ज है, ये चार्ज डिवाइडेड बाई ये जो टोटल चार्ज है, दिस चार्ज डिवाइडेड बाई एल अगर कर देंगे, दिस चार्ज पर यूनिट लेंथ, विल वी गेट लैम्डा। ध्यान से देखो, सिग्मा इंटू 2πRL डिवाइडेड बाई एल, विल इट गिव मी लैम्डा, बिकॉज वी आर जस्ट इक्वलाइजिंग द चार्जेस। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट कि लेंथ एल में जो चार्ज प्रेजेंट है हॉलो सिलिंड्रिकल शेल में, वही चार्ज लेंथ एल ऑफ द वायर में भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो मैं इस वायर लेंथ एल के वायर को मैं इक्विवेलेंट बोल पाऊंगा लेंथ एल के सिलेंडर के। बिकॉज हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब कुछ मैटर करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Important is charge distribution and not mass distribution. तो L length पे जितना charge होगा, वही क्या मैं L length के wire में भी मुझे रखना चाहिए? तो L length के cylinder में जो charge होगा, वो कितना होगा? Sigma into, मान लो इसका radius r है, sigma into 2πRL, small r कर देता हूँ, sorry. स्मॉल आर कर देता हूं मैं इसे, सिग्मा इनटू 2πRL, राइट, ये जितना चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इन द एल लेंथ ऑफ द वायर, बिकॉज़ इसको मैंने एक वायर बना दिया अगर आउटसाइड पॉइंट को देखा जाए तो। और ये कितनी दूरी पे होगा आउटसाइड सिलेंडर के, कहां पे ये वायर प्रेजेंट होगा? सिलेंडर के एक्सिस पे ये वायर प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का एक एक्सिस होगा ना, तो किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए एक्स ग्रेटर देन आर के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इस हॉलो सिलेंडर को एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो, और वो भी इनफाइनाइट वायर होना चाहिए, जैसे कि ये सिलेंडर भी इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये वायर कहां लोकेट होनी चाहिए? ये वायर लोकेट होनी चाहिए इस सिलेंडर के एक्सिस पे, यहां लगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अब देखिए, तो इससे आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, सिग्मा इनटू 2 पाई आर एल बाय एल, तो एल ने एल को मार दिया, इट विल बी लैम्डा विल बी इक्वल टू बेसिकली सिग्मा इनटू 2 पाई आर। तो अभी अगर आप इस हॉलो सिलेंडर को एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो ऑन इट्स एक्सिस फॉर एनी डिस्टेंस एक्स ग्रेटर देन आर,
what would be the value of electric field? Electric field is very simple, infinite wire hai. Electric field will be 2k lambda by x. तो ये आ जाएगा 2k lambda की जगह पे मैं रखूंगा 2 pi r sigma by x, which will be 4 pi k r sigma by x, 4 pi k sigma r upon epsilon naught x. ठीक है, sigma r upon epsilon naught x, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, ये यहां पे दिखेगा नहीं, ध्यान से देखो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा आर बाई एप्साइलॉन नॉट एक्स. दिस इज व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ व्हाट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, व्हिच इज सिग्मा आर बाई एप्साइलॉन नॉट एक्स. क्या मेरी बात समझ में आई है? देयर इज वन क्वेश्चन, लेट मी टेक इट. ओके फाइन, तो सिग्मा आर, हाँ बोलो आदर्श, बोलो. गलती से हो गया, वो नेटवर्क प्रॉब्लम. सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम है, गलती से हो गया. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट कर लो प्लीज. ठीक है, चलो. तो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड. तो इससे अपने को क्या समझ में आया, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड. तो अगर मैं आपको बोलूं कि इस हॉलो सिलेंडर का आप मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे तुम? वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखिए, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये, ध्यान से देख. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो, ये जीरो होगा. एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स है. एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी, यू नो, एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये टी है, थिकनेस टी है, या आर है, सॉरी आर है, रेडियस आर है, ये रेडियस आर है. आर रेडियस पे क्या हो जाएगा, आपने अभी देखा था, लास्ट स्लाइड याद करो, आपके सामने है, लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि इट इज सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स, मतलब एक्स के साथ जो वेरिएशन है आउटसाइड पॉइंट के लिए वो 1 अपॉन एक्स का वेरिएशन आ रहा है. तो 1 अपॉन एक्स का वेरिएशन आ रहा है मतलब क्या वो ऐसा कुछ जाएगा, और यहां पे ये ऐसा जाएगा. इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये हाइपरबोलिकली जा रहा है, सॉरी हाइपरबोलिकली बोल रहा है, एसिम्प्टोटिकली जा रहा है ऊपर पूरा इंफिनिटी तक. क्या मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज व्हाट इज योर ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स. सब लोग अपना कॉपी में नोट करें, दिस इज योर ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, राइट, फॉर अ हॉलो सिलेंडर, फॉर अ हॉलो सिलेंडर. क्या मेरी बात समझ में आई है? फॉर अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है. तो हॉलो सिलेंडर के लिए ऐसा है. फिर से देखिए, हॉलो सिलेंडर के लिए आपको डिस्कंटिन्यूटी नजर आई. यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक जगह और लेके जाना चाहता हूँ. डिस्कंटिन्यूटी आई है ग्राफ में. ये डिस्कंटिन्यूटी इसलिए आई बिकॉज इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट हो रही है. आप लॉजिकली सोचो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट कैसे हुई? देखो, मैंने आपको बोला था कल के क्लास में, आज भी मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई भी फिगर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाए तो आप जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के ग्राफ में डिस्कंटिन्यूटी आएगी ही आएगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक दैट आई एम गिविंग यू. आप देखते साथ ही एनालाइज करके बता सकते हो कि ग्राफ कैसा हो सकता है. आप एक दो ग्राफ तो एलिमिनेट ही कर दोगे बाय दिस कॉन्सेप्ट. फिर से बोल रहा हूँ, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट हो रही है किसी भी जगह पे, या फिर यू नो किसी भी पर्टिकुलर फिगर के लिए अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट हो रही है,
तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ जो है वो आपको कैसा मिलेगा, वो आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा ही मिलेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्या बात समझ में आई? अब सवाल है कि हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट कैसे हो रही है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो, अगर आप एक हॉलो सिलेंडर लोगे तो हॉलो सिलेंडर का आप एक छोटा सा पोर्शन भी अगर कट करके निकालोगे तो वो छोटा सा पोर्शन में हॉलो सिलेंडर की थिकनेस कितनी होगी? अगर मैं हॉलो बोल रहा हूँ तो हॉलो सिलेंडर की जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो डी टी है, दिस डी टी इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। जो इसकी थिकनेस होगी डी टी हॉलो सिलेंडर का, ये डी टी जो है ये डी टी विल बी टेंडिंग टू जीरो। तो डी टी अगर टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, आप देखो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो चार्ज आपको सरफेस पे है तो आप कोई भी एक गिवन एरिया लीजिए तो एरिया इंटू सिग्मा कर दोगे तो आपको चार्ज मिल जाएगा। लेकिन जब आप उस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया इंटू डी टी करके वॉल्यूम निकालने की कोशिश करोगे तो वो वॉल्यूम जो है चार्ज तो आएगा, इट इज अ लिमिट, दैट इज अ गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, बट जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा एरिया इंटू डी टी एंड डी टी टेंडिंग टू जीरो, डी टी टेंडिंग टू जीरो। तो आपकी वैल्यू जो रो की आ रही है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। रो इन्फिनिटी आई नहीं कि आपको समझ जाना है कि यहाँ पे तो भैया डिसकंटिन्यूटी आएगा ही आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हम बात करेंगे, बेसिकली मैंने दो टाइप के सिलेंडर की बात की थी, अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो है सॉलिड सिलेंडर, इसको अभी हमें देखने का। तो आइए सॉलिड सिलेंडर को थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इसके बाद ये चैप्टर में मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ऊपर कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक स्फेरिकल शेल का है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा आफ्टर गॉस लॉ, वो अभी फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने वीडियोज में भी अपलोड करके रखे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इससे हम सिलेंडर तक के जो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, ये हम सब अप्लाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी नो। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सॉलिड सिलेंडर। तो अगर हम सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सॉलिड सिलेंडर एज आई सेड इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, वी विल हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सॉलिड सिलेंडर में, बिकॉज पूरा रीजन में जहां जहां मास है वहां वहां चार्ज प्रेजेंट है, सो वी विल बी हैविंग द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, राइट। इस केस में हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो अवेलेबल। फिर से वही बेसिक सब डेटा वैसा ही रहेगा, ये जो है ये आर है आपका, ठीक है, आर स्मॉल ले लेता हूं मैं, आर स्मॉल ले लेता हूं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके अंदर यू नो एक्स ग्रेटर देन आर और x less than r हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अच्छा, बाय द वे एक और चीज इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास एक कैसा सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। अगर हमें कभी भी यू नो लिमिटेड साइज का दे दिया जाए, इट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आंसर, तो जनरली आपको जो दिया जाएगा वो इनफाइनाइट ही दिया जाएगा, ये तो बात आप गांठ बांध के रख लो, ठीक है, इनफाइनाइट के साथ ही आपको डील करना। मैथमेटिकली टू वेरी चैलेंजिंग, राइट, वो काफी काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। एज अ फिजिसिस्ट यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस, यू नीड वेरी हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व। अच्छा, x ग्रेटर देन r, x लेस देन r, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन r के लिए क्या होगा। x ग्रेटर देन r की जब मैं बात करूं तो उस केस में हमें इस सॉलिड सिलेंडर को, इंफिनिटी तक गया हुआ है सब तरफ और ये इसका एक्सिस है, फॉर एक्स विच इज ग्रेटर देन आर हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा एक वायर से। पर वायर से रिप्लेस तभी होगा जब हम इसके रो को और इसके लैम्डा को इक्वेट कर सकें। कैसे इक्वेट करेंगे? देखो, कोई भी एक गिवन लेंथ ऑफ द वायर को हमें इक्वेट करना है, कोई भी एक गिवन लेंथ ऑफ द वायर का चार्ज अगर हम इक्वेट करें, मान लो हम जो लेंथ देख रहे हैं वो लेंथ L है, तो L लेंथ ऑफ द इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर में कितना चार्ज मौजूद है, क्या वो हो जाएगा रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू L
एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो जो वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू आई होप यू अंडरस्टूड दिस रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है कि ये एल और ये एल मर जाएगा सॉरी ये एल और ये एल मर जाएगा तो लैम्डा विल बी रो बाय आर स्क्वायर. क्या मेरी बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा और इस वायर को जो इनफाइनाइट वायर बन गया है सिलेंडर की जगह पे एक वायर से रिप्लेस किया ये वायर होगा कहाँ? मैंने अभी आपको बताया था ये वायर होगा इस सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस जहाँ पे वहां पे इस वायर को रिप्लेस करना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी for any outside point, electric field outside लिख देता हूँ, will it be equal to infinite होने के कारण क्या ही हो जाएगा? 2k lambda by x, 2k lambda, lambda को rho pi r square लिखूँगा by x. क्या मेरी बात समझ में आई है? This is the electric field outside. This is the electric field outside. 2k rho pi r square upon x. क्या मेरी बात समझ में आई है? अब हम बात करेंगे for x less than r के लिए क्या करें? x less than r के लिए हम क्या करना पड़ेगा? Suppose हमने एक छोटा सा सिलेंडर लिया कोई भी x लेंथ का. अब हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे x लेंथ का लिया. अभी देखो मैंने आपको सिखाया था कि आउटर सरफेस में जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके कारण शेल के कारण इनसाइड में शेल के इनसाइड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. तो बेसिकली जो मैंने अभी यहाँ पे रेड कलर से जो आपको एक सिलेंडर बना के दिखाया है इसके बाहर में जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा. तो इसका मतलब अगर मैं x दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दैट हैज टू बी बिकॉज ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट विद इन दिस सिलेंडर जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया. तो इसके अंदर अभी कितना चार्ज है फॉर x लेस देन r? इसके अंदर कितना चार्ज है? इसके अंदर चार्ज है रो इनटू पाई x स्क्वायर इनटू l. कितना चार्ज है? तो ये चार्ज को हमें रिप्लेस करना है लैम्डा इनटू l से. मतलब हमको फिर से ये जो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ चार्ज है उसका इक्विवेलेंट हमने एक वायर मान लिया. मतलब ये जो छोटा सा मैंने x रेडियस का एक सिलेंडर बताया है आपको जो ऑब्वियसली कहाँ तक जा रहा है ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी तक जा रहा है इसको अभी हम किससे रिप्लेस करेंगे? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग प्लीज रिमेम्बर. उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? उसको हम एक वायर से रिप्लेस करेंगे. तो वायर से रिप्लेस करने के लिए इसके इसके रो को मुझे यहाँ के लैम्डा से लिंक करना पड़ेगा. तो वो लिंकेज यहाँ से आ रहा है. देखो एल ने एल को मार दिया तो लैम्डा की वैल्यू आई रो इनटू पाई एक्स स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस जो ये वायर को रखेंगे कहाँ पे? ये वायर को रखेंगे यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट इस सिलेंडर के एक्सिस पे रखेंगे. तो एक्स दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ. It will be k. कितना था? k lambda by d, 2k lambda by d, हाँ, 2k lambda. lambda की वैल्यू कितनी है? rho pi x square. 2k lambda by d, d कितना है? x, x x कट गया. तो is it 2 pi k rho x? Is it electric field inside? So electric field inside is directly proportional to x. It is like electric field inside is y equal to mx ka formula. 2 pi k rho is a positive quantity. So positive quantity hai. So aapki jo electric field aayegi, theek hai? Dhyan se dekhiyega. It is how much? टू पाई के रो. ये देख इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. तो मुझे अभी इसका ग्राफ बनाना है. इसका ग्राफ बनाऊंगा. ध्यान से देखो इसका ग्राफ बनाऊंगा. ये मेरा सेंट्रल लाइन है. इसको मैं वाई एक्सिस बना दे रहा हूँ. ठीक है. ये गया
ये गया, ठीक है, एक्स एक्स है ये दूरी, आर आर है। तो अब देखोगे अगर लेकिन फिर इनसाइड इट्स 2 पाई के लैम्डा एक्स, विल इट गो समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है इट इज गिवन बाय 2 के पाई लैम्डा, 2 के रो पाई आर स्क्वायर बाय एक्स। अभी ध्यान से देखो, ई आउटसाइड में लिमिटिंग वैल्यू कहां पे होगी, एक्स इक्वल टू आर। तो लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू आर पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू, ये आएगी ई इज इक्वल टू 2 के रो पाई आर स्क्वायर बाई आर, विच इज 2 के पाई रो आर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो है इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू कहां पे आएगी, एक्स इक्वल टू आर के लिए। एक्स इक्वल टू आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर मैं निकालू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, वो आ जाएगा 2 पाई के रो आर। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, यहीं से बाहर वाला ग्राफ शुरू होगा। और बाहर वाला ग्राफ का जो रिलेशनशिप है ई आउटसाइड, इसके अंदर एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो क्या आपकी जो ग्राफ होगी वो ऐसे ही जाएगी, और इधर क्या वो ग्राफ ऐसी जाएगी? क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज योर ग्राफ फॉर द सिलेंडर, देखते साथ समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ आई है? मैंने बहुत ज्यादा आज पढ़ा दिया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें कराई है, क्या आपको चमका है, क्या आपको समझ आया है? आप सब बोलेंगे क्या मेरी बात समझ आई है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, प्लीज ध्यान से इसको अच्छे से समझ के कर लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी, मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग है। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इन सभी डायग्राम्स को, जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को पॉज करके देख के वीडियोस को अच्छे से इनको रिविजिट करो और इनको एक बार खुद से पर्सनली इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। यू वुड रियली फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट कि हाँ हमको समझ में आया है ये क्या हो रहा है क्या, ठीक है? ओके गाइस, ओके, विल मीट टुमारो देन।